दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज कितने दिन के बाद मैं ना थोड़ा रेडी होने वाली हूँ लिटिल बिट, क्योंकि अभी बहुत अच्छा फीलिंग कर रही हूँ मैं। पर मैं ना थोड़ा सोच रही हूँ कि आज रेडी होकर ना थोड़ा अच्छा खाने पीने के लिए बनाते हैं, क्योंकि ना वधिया फूड खाने के लिए मन कर रहा है मेरा। मतलब वधिया नहीं, लाइक ऐसे कोई शाही डिनर फूड नहीं बनाऊंगी, लाइक कोई पार्टी नहीं करूंगी मैं, ऐसे बेसिक कुछ। हिम्मत बेचारा कह रहा था कि मम्मी प्लीज राजमा बना लो। मैं क्या पुत्र, राजमा नहीं अब बनेंगे, राजमा हम बनाएंगे संडे। सो मैंने कहा कि कमिंग संडे ज़रूर से बनाएंगे। एंड आज मैं लैशेज लगाने वाली हूँ। आज मैं ना थोड़ी डिफरेंट लैशेज लगा रही हूँ, जो मेरा नॉर्मल स्टाइल है उससे डिफरेंट। और सुनाएं आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान करके रखी थी, बट ये सिकनेस ने ना मेरी कितनी सारी अनप्लान चीज़ें ख़राब, बट होपफुली आई विल कम बैक ऑन ट्रैक। एंड बहुत सारी वीडियोस भी मैंने प्लान करके रखी हैं, जो भी मैंने विंटर एंड फॉल की शॉपिंग की थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, कि कौन से पीसेस मैंने ख़रीदे हैं। क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी जो वार्डरोब हो वो सारी एक दूसरे के साथ मैच होने वाली हो, लाइक कोहिसिव हो। काइंड ऑफ कैप्सूल वार्डरोब बना रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा आलतू फालतू पीसेज नहीं। सो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड लेटर मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि कैसे यू गाइस कैन मेक अ कैप्सूल वार्ड्रोब। थोड़ी ड्रामेटिक लैशेस लगा रही हूँ आज मैं, नॉर्मल के मुकाबले। नॉर्मल जो मैं स्टाइल लगाती हूँ टुलूम, वो नहीं लगा रही हूँ आज मैं। आज आई थिंक दिस इज द स्टाइल गोवा, सो गोवा के लिए तैयार हो रही हूँ मैं। ओके, सो मैंने आपको पिछले किसी वीडियो में बताया था ना कि मेरा कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के लिए बहुत ज़्यादा मन करता है, पर ऐसे जो मेरी आइज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे मैच हो। मेरी आइज़ या मेरी जो स्किन है, जो मेरा स्किन का कलर है, उसके साथ ऐसे नकली नहीं लगने चाहिए। सो मैंने काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स ऑर्डर किए हैं 3-4 डिफरेंट ब्रांड से, एंड मैं आपके साथ शेयर करूँगी सारे ही, कौन सा ब्रांड मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं सारे लोगों को चांस देने वाली हूँ। आई थिंक दिस इज गुड इनफ। बहुत लंबे समय के बाद मैंने इतनी ड्रामेटिक लैशेस लगाई है, थोड़ा सा आईब्रोज को भी फिल कर लेते हैं। तो मैं आपके साथ सारे ही शेयर करूँगी स्टाइल्स भी, और देन उनके रिव्यूज़ भी, कैसे कॉन्टैक्ट्स हैं वो। एंड मेरे कॉन्टैक्ट्स सारे ही प्रिस्क्रिप्शन वाले हैं, बिकॉज यू गाइज नो आई हैव अ प्रिस्क्रिप्शन। गाइज, बीमार होना ना बिल्कुल फन नहीं है, स्पेशली अगर आप समवन है ना जो घर की टेक केयर करते हैं, तो बीमार होना इज़ सो इरिटेटिंग। क्योंकि आप मंजे के साथ बंद हो जाते हैं और आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आपके हाथ पैर चल नहीं रहे हैं सही तरह, इट्स नॉट फन। और स्पेशली अगर कुछ कोविड के जैसा है, जैसे में डर है कि दूसरे बंदों का ना हो जाए, अदरवाइज तो आप टुट्टे पज्जे जैसे जैसे भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। पर जब आपको लगता है कि यार मैं एक ही जगह पर बैठी रहूँ, ये ना बीमार हो जाए, तो ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। ओके, सो मेरा 5 मिनट का मेकअप हो गया है, सो प्रिटी इट इज़। ओके, सो चलो यार कुछ काम करते हैं आज, कुछ ना कुछ काम करते हैं। सो आज अर्लियर क्या हुआ था कि मैंने शुरुआत की है क्लीन करने से। घर में बहुत ज़्यादा मैस थी, वैसे मेरी कोशिश थी कि मैं बहुत ज़्यादा क्लीन मत करूँ, थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। क्योंकि जब आप थोड़ा ठीक होते हैं ना, तो आपका मन करता है सारा कुछ कर ले, एंड देन फिर से बीमार हो जाते हैं। सो मैंने थोड़ा वैक्यूम किया है, ये बोनस रूम है जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि एक दो लोड कपड़ों के भी वॉश कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। एंड देन मैंने फ्रिज की हालत देखी। फ्रिज मैं ना हर वीक क्लीन करती हूँ काफ़ी अच्छी तरह, जब मैं ग्रॉसरी ख़रीद के आती हूँ, आपने पहले भी देखा होगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि सारा कुछ ऑर्गेनाइज हो। तो थोड़ी ख़राब हालत थी, इतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी। सो उसको भी मैंने क्लीन कर लिया। एंड अदर डे मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने गई थी, एंड बटर लेके आई थी, क्योंकि हम देसी घी घर में बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि आज कुक करते समय मैं देसी घी भी बना लेती हूँ। एंड आज मैंने बनाया था कि मटर पनीर बनाया था, क्योंकि हस्बैंड का मन था कि घर का कुछ अच्छा खाएं, क्योंकि कितने दिन से हमने अच्छा फूड खाया नहीं है। सो मटर पनीर के साथ हस्बैंड को मैं रोटी बना के दे रही हूँ, एंड इस तरह मेरा घी भी तैयार हो चुका है। एंड घर का जब घी हम यूज़ करते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है, लाइक अच्छा फील होता है। एंड मुझे लगता है ये अफोर्डेबल भी होता है।
being alone too much. So back to आते हैं आज के दिन पे. तैयार होने के बाद मैंने सोचा कि चाय का कप पीते हैं, अच्छी एनर्जी आएगी एंड देन हम कुछ स्वादिष्ट कुक करते हैं. आज मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कुक करूँ. फ्रिज में मैं देखने वाली हूँ कि कुछ अच्छा मिले. सो देखते हैं क्या कुक करेंगे. ओके, सो निकाला है मैंने बैंगन. एंड सो पहले मैंने सोचा था कि बनाते हैं गोभी, पर अब मुझे बैंगन दिख गए हैं तो बैंगन को फूल लेते हैं पहले. बैंगन की खुशबू इतनी ज्यादा आती है कि जब आप बैंगन का भरता बनाओ ना तो बाहर तक पता चल जाएगा कि बैंगन का परठा बनने वाला है. इन दोनों का बनाएंगे परठा. मुझे बालों को बांधना पड़ेगा अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी किचन की हालत थोड़ी बेटर हो जाए. वैसे मेरी किचन की हालत खराब नहीं है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ ना कुछ करते आ रही हूँ एंड सुख के साथ सब कुछ सही है. अदर डे मैंने मेरी फ्रिज को क्लीन कर लिया था एंड बीच बीच में मैं लॉन्ड्री भी करती रही हूँ एंड किचन के काउंटर्स को भी मैं अदर डे क्लीन करके गई थी. ज़्यादा नहीं है कम एंड मुझे आज अपना कोविड टेस्ट भी करना है. मुझे आज लग रहा है कि नेगेटिव आएगा. अब स्लीपी गाइस, मेरे को नींद नहीं आई अच्छी. जब तक मेरे बालों को मैं टाई नहीं ना करती हूँ तब तक मुझे लगता नहीं है कि मैं सीरियस हूँ काम कर रही हूँ. मुझे लगता है ना मैं सीरियस नहीं हूँ, मैं शायद मैं कुछ करना नहीं चाहती. ऐसे लगता कि मैं घर में पुरानी आई पुरानी. सो बैंगन भरता मुझे लगता है कि काफ़ी उसमें खुशबू होती है. काफ़ी उम्मीद है कि ये मेरा नक एंड टेस्ट बड्स को खोल देगा, इसलिए फिर मैं बैंगन भरता बनाने वाली हूँ आज. She opened the window. Your smell is too strong for Mr. Jose. No. Is it good? Yeah. And उसका तड़का मैं बेसिकली लगाती हूँ. इसमें मैं टमाटर थोड़े अच्छी तरह डालती हूँ क्योंकि बैंगन भरता जब खट्टा सा टाबे स्टाइल बनता ना बहुत मज़ा आता है. सो बेसिक तड़का लगाती हूँ और भरते में मुझे हल्दी अच्छी नहीं लगती. आप हल्दी डालते हैं बताना मुझे. एंड हस्बैंड ने डिसाइड किया कि आज यहाँ पे खड़े होकर फूड खा लेंगे. एक्चुअली नहीं पता क्या हुआ कि वो ना अपने लिए कुछ एयर फ्रायर में कुक कर रहे थे. शायद उन्होंने अपने लिए ना चिकन बनाया था. वो जिम से आए थे तो तंदूरी स्टाइल चिकन टिक्का बनाया है तो उसकी वेट कर रहे हैं. एंड बैंगन भरता उन्हें बहुत अच्छा लगता है एंड वो खा रहे हैं और मुझे लगता है आज वो अरे दोस्तों मेरा हस्बैंड का और हिम्मत का खाना हो चुका है. आज मेरा ये पहला मील था, इससे पहले मैंने कुछ भी नहीं खाया और समय हुआ है 6:30 एंड हिम्मत का समय है प्ले करने का अपनी नेबर दोस्तों के साथ. एंड आज भी बहुत अच्छा गर्मा गर्म दिन है तो हिम्मत बाहर समय स्पेंड कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ और हम दोनों ने प्लान बनाया कि हम दोनों भी थोड़ा वॉक कर लेते हैं. ये जो हमारे पीछे ये वॉकिंग ट्रेल्स ही है ना, इसका इतना फ़ायदा है क्योंकि मुझे मेरे पूरे घर से ऑलमोस्ट कितना लंबा टुकड़ा दिखता है इस ट्रेल का. और ये जो सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे प्ले करते रहते हैं और बिल्कुल सेफ़ है क्योंकि जो वॉक करने के लिए भी निकलते हैं वो ज़्यादातर नेबर्स ही होते हैं. अगर हिम्मत ड्राइववे पे प्ले करे तो आँख रखनी पड़ती है ना कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा. गाड़ियाँ भी आती हैं तो ये बहुत ही मुझे इस घर का अच्छा लगता है कि हमने ये वाला घर लिया जिसके पीछे काफ़ी ज़्यादा एरिया है जहाँ पे बच्चे प्ले करते रहते हैं और बहुत सेफ और सभी का बैकयार्ड लगता है तो कोई ना कोई नज़र रखता ही है कि बच्चे क्या कर रहे हैं. राइट सो या होपफुली अभी एक दो और हफ्ते हैं
कि मौसम नॉट बैड है, हिम्मत प्ले करेगा बाहर, स्नो के समय तो पता नहीं क्या होगा। काफ़ी डर लगता है ठंड के बारे में सोच के, कैलगरी की ठंड कैसी होगी, पर सो फार वी आर ओके, वी आर लाइकिंग इट। ऐसे फील नहीं हुआ है कि हम लोग ने इतना बड़ा चेंज किया है, ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ हमें। सो यस, हस्बैंड किसी नेबर के साथ बातचीत कर रहे हैं, आपको पता है कि उनको बातें करना बहुत अच्छा लगता है। सो उनकी वेट कर रही हूँ मैं, जब वो आएंगे तो फिर हम दोनों भी उस एरिया में वॉक कर लेते हैं। एंड आज बैंगन भरता ठीक ठाक बना है या मुझे पता नहीं चला है, क्योंकि ये कोविड की वजह से ना मुझे ना स्मेल आ रही है ना ही टेस्ट किसी चीज़ का पता चलता है। और जैसे मैं बैंगन भरता बनाती हूँ उसको जला के पोड़ के, उससे बहुत ज़्यादा फ्लेवर आता है और बहुत ज़्यादा घर में भी खुशबू फैल जाती है भरते की, बैंगन भरते की। पर आज वैसा कुछ नहीं हुआ है, आई डोंट नो कब वापस आएगा मेरा ये स्मेल एंड टेस्ट। काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हूँ इसको लेके मैं, होपफुली जल्दी वापस आ जाए क्योंकि मुझे ये वापस चाहिए। या दैट्स दैट। और घूमने फिरने जाते हैं, उसके बाद आके मैं किचन को क्लीन करूँगी, देन वी गोना कॉल इट अ नाइट, क्योंकि कल रात में बिल्कुल वधिया नींद नहीं आई, होपफुली आज वधिया नींद आऊँगी, क्योंकि सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। अगर सोते नहीं हो ना तो लाइक रिकवर नहीं होती है बॉडी, एंड अभी फ़िलहाल नॉट सो गुड हूँ मैं, बट या बेटर देन पिछले 14-15 दिन से काफ़ी ज़्यादा बेटर हूँ। मैं तो डिफरेंट नहीं है, तो ये मैंने सैर करना नहीं लग गए। ओके दोस्तों, तो मैं सैर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि बार पीछे मिल रहे हैं पिछली गली से, किसी बंदे के नाल गायब हो गए। एक गली में इनको बंदा दोस्त मिल गया, उन्होंने लागे गायब ही हो गए। पहला मैं गई वहाँ पे मिले मुझे वो कोने से आते हुए, फिर मैं गई फिर यहाँ कोने से जाते हुए। सो गाइस, मैं घूमने गई थी पूरा प्लान करके, हस्बैंड मैंने बुला के किसी और बंदे के साथ चले गए, सो वी आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर। सो वापस अब मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ नन्नी मन्नी सी चाय। उनका ना गले में थोड़ा सा खराश सी फील हो रही है, और मेरे पास ये बहुत अच्छी लिक्रिश रूट की चाय है, मलट्ठी की। मलट्ठी आपके गले के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ये उनको बना के दूंगी, एंड मैं किचन का जो लेफ्ट ओवर काम है वो भी सारा ख़त्म कर दूंगी। उस पासो किधर आंदे उधर की लफन गई लाड वेखन गई हाकी ग्राउंड वेखन गई लाड वेखन गई थोड़ी तो वखरी सी कर गई गाने कटेरी तू लावे थोड़ा देख करके रुकी मेरी सिटी नो इट्स बीन अ वीक बट इट फील्स सो मच स्ट्रांग नो इट्स नॉट अ लोन इट्स इट हर्ट pictures beside her I'm still here learning how to live without you It's not that easy, it's hard to believe If you're over me, tell me is it real? I don't know, kito bhi wapas aaya Dono koi nahi ho, kadi nahi ho ये रंडियाले वाला बहुत बढ़िया लगेगा तुम तो यार हानू अही मिस कर दिने सुन के ना ले जाओ बार बार एंड समय आता है मेरा कोविड टेस्ट करने का, उम्मीद है कि नेगेटिव आए, देखते हैं क्या होता है। Was being alone too much.
ओके सो टेस्ट मैंने डाल लिया है, देखते हैं क्या आता है, होपफुली नेगेटिव आए क्योंकि बहुत दिन हो गए कि मैंने हिम्मत नु हगी पुची नहीं की है। सो अगर वो नेगेटिव आएगा तब मैं कर सकती हूँ, अगर पॉजिटिव आएगा तब मैं नहीं कर सकती हूँ। सो इस टेस्ट को हम देंगे अराउंड 15 मिनट, 15 मिनट के बाद आते हैं। और मैं हस्बैंड से अभी भी नाराज़ हूँ क्योंकि वो मुझे वॉक पे नहीं ले गई है, वो मैं कल ही चल रही हूँ वॉक करन फिर थोड़ी। मैं वो बंदे ना चली जाए ना तू ही चले ही है जेड़े भाई ना तुझे घूम दे ही उसी भाई ना मैं चली घूम। ओके इट्स स्टिल पॉजिट है। डैडी आर यू रेडी? और पुची फाइनली ओके दोस्तों, तो मेरा टेस्ट नेगेटिव आया है सो अब मैं हिम्मत को पुच्ची कर सकूं। दोस्तों मैं काफ़ी खुश थी कि मेरा टेस्ट नेगेटिव आया है बट एक्चुअली उस पर लाइन आ चुकी है, पूरी तरह नेगेटिव नहीं है, मुझे स्टिल वायरस है। मैं गई थी हिम्मत नु पुच्ची करन बट डैडी सेव्ड हिम्मत लाइफ एंड लेट मी पुच्ची हिम। आई डोंट नो वो कौन सा दिन कब आएगा जब आई कैन पुच्ची हिम। ऑलराइट प्यारे दोस्तों, सो आज के व्लॉग के साथ बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये क्यूट सा छोटू सा प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें, एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे हस्बैंड का लिंक भी है, अगर आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप घर बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं सो प्लीज़ उनको कॉन्टैक्ट करें, वो बहुत ही प्यारे बंदे हैं, आपकी मदद करेंगे। मैं आपको मिलती हूँ कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज अ ब्यूटिफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, यू गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीज़ी। आई लव यू गाइज सो वेरी मच, बाय।